जय जोहार संगवारी हो, संगवारी हो। सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू, जे में आप मला देखे बर मिली रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। ईश्वर के दूत संत महात्मा मुनि ऋषि बन के सत्संग के मंडप सजैया आयोजक जन अवे सत्संग के छैहा मा बैठ के संत मन के वाणी ले भगवान राम जी के नाम रूप लीला और धाम के दर्शन करिया साधु श्रोता समाज श्रद्धामती ममतामयी करुणादात्री दाई बहिनी सखीमन अगम ज्ञान के भंडार संहर शिव के मूर्ति परम गुरु निनायक गण औ अपन गोठ माँ बेरा बेरा माँ जनैया चितैया समय पाल उद्घोषक महोदय अब जम्मो ज्ञानिक सुजानिक संत महात्मा के पावन पौरिमा हमर जय माँ गायत्री बालिका मानस परिवार ग्राम भोज टोला पोस्ट मारी तहसील मोहला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे लड़का मंडहले सशत नमन ही वंदन ही
प्रणाम है। बड़े सौभाग्य की बात है भैया हो कि आज आप मन के गांव ग्राम बमनी के पावन धरा धाम में सुघर त्रिदिवसीय राम रूपी गंगा के धार बहत है भैया हो। जी हाँ, हमो मल्ला और आप सबो झल्ला सुघर डुबकी लगाए के गोता लगाए के अवसर मिले है भैया हो। हमर गांव हरे ग्राम भोज टोला और भैया हो हमन हा छत्तीसगढ़ के कोर में रही थन, छत्तीसगढ़ के कोर मा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के कोर मा, छत्तीसगढ़ बॉर्डर हरे भैया हो हमर गांव है तो हर महाराष्ट्र के कोर मा बसे हवे हमर भोज टोला गांव हा। असुरता ला रखी रहुदाई हो हमर जय माँ गायत्री बालिका मानस के नाम ला महतारी हो। हमन 300 किलोमीटर दूरी ले आप मन के गांव मा पूछत पूछत किंजरत भटकत आहन, सुबे के 4 बजे ने निकले रहन दाई हो ते आप मन के गांव मा के बजे पहुंचे हन, 12 बजे पहुंचे हन। आज कतिक बड़े सौभाग्य हन कि मोर जैसे अबोध बालिका के मुख से आप मन हर राम कथा सुने पर बैठे हो महतारी हो। परमात्मा राम के वास्तविक में परमात्मा राम की कथा ला तो हजारों मुख वाले शेष नाम भी उकर बखान ला नहीं कर सके महतारी हो। तो मैं तो एक मानुष तन हरो, एक छोटे से लड़का हरो, ना मैं कोई कवि हरो, ना मैं कोई विद्वान हरो भैया हो। काबर के बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी है तुम्हार रामचरित मानस ला लिखिस भैया हो, तो लिखे के पहले का कहे है कवि ना हो मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। तो महू हाँ अपन मति के अनुसार भगवान रोगेंद्र सरकार के गुण लगाए बर जात हूँ। गलती हो जही तेल अपन छोटे से लड़का समझ के क्षमा करो महतारी हो। बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे काव्य रचना का हरे श्री रामचरित मानस। अब श्री रामचरित मानस के रामला देखना का हरे महतारी हो, एक मनखे के भाव हरे, यही हरे साक्षात्कार होना और नर के नारायण होना। यदि हम श्री रामचरित मानस ला उल्टा पढ़ के देखें तो का थे महतारी हो, मानस चरित राम श्री है ना, और मानस के मतलब का होते मनुष्य, चरित मतलब का होते व्यवहार, राम मतलब का होते भगवान, श्री मतलब का होते लक्ष्मी। जे मनुष्य राम जी से बनना चाहे वो मनुष्य अपन आचरण ला व्यवहार ला अच्छा ढंग से रखे वही मनुष्य राम जी से बनी औला लक्ष्मी के प्राप्ति होई। हमरा रामचरित मानस से का सीख मिलते महतारी हो कि एक भाई ला दूसरे भाई पर कैसे होना चाहिए, अड़ोसी ला पड़ोसी के प्रति स्नेह कैसे होना चाहिए, राजा ला प्रजा के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए, माता पिता के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए, गुरु ला शिष्यवत कैसे होना चाहिए, ये सब शिक्षा देते रामचरित मानस है तो हर। तो आवन अपन जिंदगी की कीमती वक्तला पल भर बा साधु संत बन संग सत्संग करके मनखे जन्म ला जाने के प्रयास करन भैया हो। कबर के भैया हो बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिले और बिना राम की कृपा बिना हमले सत्संग नहीं मिले, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, सत्संगत बुद्धि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो आवा भैया हो हमर मन के कथा प्रसंग है श्री रामचरित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड, जहाँ बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पसान, ते मति मंद जे राम तजी भजे ही जाए प्रभु आन। आवन यही पावन प्रसंग ला आप मन के बीच में परोसे पर जाबो तब परोसे के पहली माँ शारदे मैया की वंदना कर लेथन तब आबुन अपन कथा प्रसंग में। भरत प्रिय राम चंद्रे शंकरे हरियो दर्शन मोला
मानस प्रेमी सज्जनों आवाओ हमला कथा प्रसंग मिले हैं श्री रामचरित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड। लंका के उल्टा का हरे दाई हो काल के डंका हरे। जहां बाबा जी गुस्सा में तुलसीदास जी लिखे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पशान ते मति मंद जे राम तजी भजे ही जाए प्रभु आन। मानस प्रेमी सज्जनों लंका कांड है तोनहर लड़ाई के कांड हरे। जिन्हा राम के नमक खाए वो राम द्रप होते, जिन्हा रावण के नमक खाए रहते वो हर रावण द्रप होते। यही प्रभु राम की कथा ला काकभूषण ने है तोनहर नीलगिरी के पर्वत मा बर पेड़ के खाले मा बैठ के गरुड़ जी लसना थे। अब यही प्रभु राम की कथा ला महतारी हो भगवान भोलेनाथ है तोनहर कैलाश पर्वत मा बैठ के माता पार्वती लसना थे। माता पार्वती पूछते कि हे स्वामी हे उघरदानी भगवान है तोनहर बार बार मनुष्य रूप ला लेके धरती मा काबर अवतार ली थी कथे। तो भगवान भोलेनाथ कथे अवो पार्वती ये धरती में जति अत्याचारी है भ्रष्टाचारी है पापी है उकर मन के नाश करे बर और जति संत महात्मा ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण ज्ञानी है उकर मन के रक्षा करे के खातिर भगवान है तौन हर मनुष्य रूप ल लेके धरती में अवतार ले थे कथे। तो माता पार्वती फिर का कहिस के हे स्वामी हे उघरदानी यही चराम की कथा ला इकर अघुड़ा ला औस ना देते उका स्वामी कथे। तब भगवान भोलेनाथ कही ओ पार्वती ते मोला भगवान की कथा ला पूछे सो पार्वती मोर मन हम बड़ा गदगद हो गए वो मोर आत्मा ला बड़ा शांति मिल गए वो कहीस। और सही बात है भैया हो जिन हा भगवान की कथा ला सुनते और दूसरा ला घला सुना थे वो अमर पद ला पाथे कथे। तो भगवान की कथा ला सुनना और सुनाना बहुत जरूरी है ना। मैं तभी के देखा था बैठे हो तिहाँ ले यहाँ ले बैठे हो तब के देखा था दाई हो दाई मन है ना राम कथा सुने लाहन कहा थे है ना। अब एक दूसरे से गुठिया थे भाई कैसे दाई हो राम कथा में अस्कटाना नहीं चाहिए दाई हो कबर की कभू ये सोचे हो ही कि कस लल्लू पापा हमार रोज के विहित भात साग ला खाथन विहित दार चावल ला खाथन है ना। तो चल ना आज पैरा भूषण खा के देखते ये बने ही दाई हो नहीं बने ना। तो प्रभु राम के कथा भी है तुम्हारे तो विच्छ रे दाई हो इमें अस्कटाना नहीं चाहिए प्रभु राम के कथा ला सुनना है तो मन लगा के ध्यान लगा के सुनना है। कथा प्रसंग है श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पशान ते मति मंद जे राम तजी भजे ही जाए प्रभु आन। मानस के सज्जनों यहाँ प्रभु रामचंद्र जी रिहिस तोनहर समुद्र पार करे बार नल नील रथे तेकर सहायता से समुद्र ला सेतु बांध बनवाथे। जामवंत है तोनहर कोनहरे ब्रह्मा के अंश हरे। अबे जामवंत जे रिहिस तोनहर नल और नील ला दोनों भाई ला बुलाथे और सारी कथा ला समझाते दाई हो काबर काबर की प्रभु राम ला कहां जाना रथे लंका जाना रथे तो लंका में समुद्र ला पार करे ला लग थे। तो समुद्र पार करे पर सेतु बांध बंधवा थे पुल बनवा थे काकोल ला नल और नील ला बनवा थे। नल और नील रिहिस तोन दोनों भाई ला बुलाथे जामवन है तोन हर फिर वानरों के समूह ला बुलाथे और कहिस कि आप सब जन मोर विनती ला सुनो अपन हृदय में राम के चरण कमल ला धारण करो। सब बेंद्रा भालू रिहिस तोन मन हा खेल करते बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्ष ला खेल की तरह से उखाड़ लाथे और ला ला के नल और नील ला देते और नल और नील कौन हरे विश्वकर्मा और घृता के उकर पुत्र हरे। नल और नील है तो नहर दोनों भाई मन हा पुल ला बना थे जहां तक कि पुल ला बनवाए पर चिरई रथे दाई हो चिरई ते मन हा अपन मुंह में गोटी ला धर के लाथे पुल ला बनाए पर
वानर मन हा बड़े बड़े पहाड़ ला लाके देते नल और नील ला, तो नल और नील रिस तो नहा गेंद की तरह ले लेते, कैच झोंक लेते और फूल ला बनाते। तो कृपा सिंधु प्रभु रामचंद्र जी रिस तो नहा मुस्कुरा के बोलते कि यहाँ में सुंदर ए भूमि में ए जगह में एकर महिमा के वर्णन नहीं करे जा सके। यहाँ में हा शिव जी की स्थापना करूँ कथे और मोर हृदय में संकल्प है कथे महान संकल्प है कि यहाँ शिव जी की स्थापना करूँ कथे। तो राम के वचन न सुन के वानर राज सुग्रीव रिस तो नहा बहुत से दूध भेजते, मुनि मल्ला बला के लेके लान थे और शिवलिंग की स्थापना करवाते, विधि पूर्वक पूजन करवाते। सज्जनों जे शिव के द्रोह रखते राम जी किस के जेन हा शिव के द्रोह रखते और मोर भक्त कहलाते वह मनुष्य सपने में भी मोला नहीं पाए कथे। किस कि शंकर प्रेम म द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नरक करही कलप भरी घोर नरक महुबास। जिनहा शंकर जिला प्रिय है और मोर द्रोह करते एवं जे शिव के द्रोही हरे और मोर दास बनना चाहते वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करही कथे। जो मनुष्य मोर स्थापित किए हुए रामेश्वर के दर्शन करही शिवलिंग के दर्शन करही वे शरीर न छोड़ के मोर लोक में जही किस, और जेन हा इस शिवलिंग में गंगा जल ला चढ़ाई वह मनुष्य सरल में ही मुक्ति ला पाही किस, और जेन हा छल छोड़ के निष्काम होकर रामेश्वर के सेवा करही वही शंकर के भक्ति पाही किस, और जो मोर बनाए सेतु के दर्शन करही वह बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र ला तर जाही किस। भगवान राम है तोनहर अति बात ला बोलते राम के वचन ला सुन के जितने भी बेंद्रा भालू वानर रहे ओ मनहा खुशी मनाते उनकर मन ला अच्छा लगते। सबो झन मनहा अपन अपन आश्रम में लौटते। शंकर जी रिहिस तो हर किहिस माता पार्वती ला कि अवो पार्वती रघुनाथ जी की यह रीति ला तो देख, वे शरणागत सदा प्रीति करते सब पर, काबर की प्रभु राम है तो नहर कैसन हर भैया हो अति कृपालु रघुनायक सदा दीन ह परने तासन आई किन चलो मूरख अवगुण गे। परमात्मा राम है तो नहर अतना कृपालु हरे दयालु हरे सब पर दया करने वाला हरे। जिन मूरख रथे वह प्रभु राम से छल करते और अंत में माफी मांगते ओला भी क्षमा कर देते ऐसन कृपालु राम हरे। अवे चतुर नल नील सेतुला बांधा थे वे सेतुला बांधे से राम के कृपा से उकर उज्जवल यंश सर्वत्र फैल गए हैं। जो पत्थर अपने आप डूबते वो दूसरा ला डुबा देते वही आज जहाज जहाज के समान तैरने वाला और दूसरा ला पार ले जाने वाला हो गए हैं। यह ना तो समुद्र की महिमा है वर्णन कर गए हैं ना पत्थर के गुण है भैया हो ना वानर की कोई करामत है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पशान ते मति मंद जे राम तजी भजे ही जाए प्रभु आन। रघुवीर के प्रताप से भैया हो पत्थर भी समुद्र पर तैर जाते काबर काबर की ए प्रभु राम की कृपा रे का समुद्र ला पार नहीं कर सकत रे दई हो प्रभु राम है तनहर अवश्य पार कर सकत रिस है ना भाई। प्रभु राम है तो ना तो स्वयं दर्शी हरे त्रिकाल दर्शी हरे ओ काल से भी महाकाल हरे ओ समुद्र ला पार कर सकत रही से, लेकिन यहाँ प्रभु राम है तो नहर नाटक करते लीला करते भैया हो नल नील से सेतु बंधवाते। प्रभु राम के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर जाते ऐसन भक्ति ला छोड़ के जे मनुष्य कोई दूसरा स्वामी ला जाके भजे तो मन बुद्धि हरे। तो आवन आगे के चर्चा एक छोटे से भजन के बाद आगू बढ़ाए के प्रयास करवो। भरत प्रिय राम चंद्र
भैया हो, प्रभु राम की कृपा से ही पत्थर है तोनहर समुद्र में तैरे पर लगते, और ऐसा प्रभु राम ला छोड़ के जे मनुष्य कोई दूसरा ला भसते ओ बहुत ही मूर्ख है। आजकल आदमी मन हा कामे फंसे रहते भैया हो, बैठे रहते घर के महाटी में, का कहा मोर घर मोर द्वार मोर खेत मोर खार है ना, मोर बीबी मोर बच्चा यही ला संवरात रहते, ओ मायापति भगवान ला नहीं जाने। लेकिन बाबा जी गोसा में तुलसीदास जी तो हर कहिस भैया हो कि शरीर के भीतर में परमात्मा राम है तो हर विचित्र रूप से बैठे हावे, ओ विचित्र रूप से बैठे हो परमात्मा ला भजो कथे, चेला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन हा जप थे। भाई प्रभु राम के चरित्र है तुम्हार कैसन है, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान है परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरो कुछ आन। भैया हो प्रभु राम के चरित्र है वो अति है विचित्र है, बड़ा ही विचित्र के हम देखन हमर व्यवहार में के ठन चित्र बनते भैया हो, तीन ठन चित्र बनते है ना, एक हरे चित्र, दूसरा हरे विचित्र, और तीसरा हरे का बड़ा विचित्र भैया हो। चित्र ने की का होते भैया हो, फोटो है ना, फोटो अब विचित्र ने सोचे के बात, और बड़ा विचित्र ने बड़ा सोचे के बात है भैया हो, हम चित्र ला देखन फोटो ला है ना, तो विचित्र बड़ा सोचथन भैया हो कि फोटो है तुम्हार कितना सुंदर के दिखा था वे, ए पेंटर वाले हा कतिक सुंदर ले बना है वे, ये विचित्र ने बड़े सोचे के बात है, अब बड़ा विचित्र ने बड़ा सोचथन भैया हो, हम कल्पना करथन कि वो पेंटर वाले की भाई सुंदर फोटो ला बना है तो पेंटर वाले हा कितना सुंदर होई, अति सुंदर फोटो ला बना है तो पेंटर वाले कतिक सुंदर होई, ऐसे करके हम कल्पना करथन, ए बड़ा विचित्र के बात है भैया हो। इसने ढंग ले परमात्मा राम के चरित्र है वो बड़ा विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरो कुछ आन। प्रभु राम के चरित्र ला नहीं जाने वो हम बहुत ही मूर्ख हरे मन बुद्धि हरे। मानस प्रेमी सज्जनों हम देखन रामचरित मानस में वैसे तो चार प्रकार के भक्त लिखा है ना, चार प्रकार के भक्त लिखा है, राम भगत जग चार प्रकार सुकृत चार अनग उदारा, राम भक्त है तो ना चार प्रकार के हैं, एक हरे अथार्थी, दूसरा हरे आर्ता, तीसरा हरे जिज्ञासु, और चौथा हरे ज्ञानी। अथार्थी यानी का होते भैया हो, धन के चाह से भजने वाला होते कि भगवान ला काबर भजते कि हे भगवान हे नाथ मोर घर ज्यादा धन दौलत आए, मोर घर धन दौलत से भरपूर रहे, ऐसे की भजते। और आरती ने का होते संकट की निवृत्ति में भजने वाला होते, जब मनुष्य के पास संकट आते भैया हो तो हे भगवान मोर संकट ला दूर कर ले भगवान, ऐसे की जप थे भजते। और तीसरा हरे जिज्ञासु, जिन हर भगवान ला जाने की इच्छा से भजने वाला होते। चौथा हरे ज्ञानी, जिन हर भगवान ला तत्व से ही जान लेते औ भजते। जिज्ञासु जिन हर जाने की इच्छा से भजने वाला होते। बाबा जी गोसा में तुलसीदास जी कहे भैया हो, जाने बिना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। भगवान ला जानना बहुत जरूरी है, और जान के ओकर से प्रीति करना है, काबर की एक जन नाविक रहिस भैया हो, एक नाविक रहिस है, और मैं तीन जन ओकर नाव में बैठे रही से, एक जन हरे कंप्यूटर वाले सर, दूसरा हरे साइंस वाले सर, तीसरा हरे गणित वाले सर, मैथ्स वाले सर, कंप्यूटर वाले सर रही सन हर के ही नाविक ला कि कस भैया नाविक हमला एक बात बता, ते कंप्यूटर के बारे में जानथस नहीं भैया कथे, तो नाविक भैया रही सन हर के ही, अरे बाबूजी मैं कुछ कंप्यूटर के बारे में नहीं जानू बाबूजी, मोला कुछ नहीं आए, मैं काला जानू, मैं कंप्यूटर के बारे में नहीं जानू कथे, तो अरे ते कंप्यूटर के बारे में नहीं जानस भैया, तो भाई गे तोर तो 20% जिंदगी खराब है कही दिस भैया हो। ता गणित वाले सर रथे ओह कथे कस भैया ते कंप्यूटर के बारे में नहीं जानस, तो तेहा कुछ गणित के बारे में जानत हबे भैया कथे,
तो वहू कहिस कि मैं नहीं जानो बाबूजी, मैं नहीं जानो, मोला कुछ नहीं आए, मोला एको आना पढ़े नहीं हो तो मोल का ही। कहिस अरे भैया, आजकल के लइका मन हा जोड़ना घटाना घला कट डरथे पट डरथे, तो ते जोड़ना घटाना घला नहीं आएगा कथे ते नहीं आए बाबूजी, मोला नहीं आए। कहिस तो ओला कहिस भैया हो अरे तोरा गणित नहीं आए ना, तो भई गए तोर तो पूरा 50% जिंदगी खराब है कह देते भैया हो, 50% जिंदगी खराब है कह दिस। विज्ञान वाले सर रहिस तो हर कहिस अरे भैया ना तो तोरा कंप्यूटर के बारे में नहीं जानास, ना तो तेहा गणित के बारे में नहीं जानास, तो कुछ विज्ञान के बारे में जानत हबे भैया कथे। तो वहू लकीस अरे बाबूजी, मैं कुछ नहीं जानो बाबूजी, मोला कुछ नहीं आए। तो कहिस अरे भैया, ते कैसे कुछ नहीं जानो कथस, अविज्ञान के देन हरे आजकल तो सब विज्ञान के बारे में ही चर्चा करत है, सबो चीज विज्ञान के ही देन हरे, ते कैसे नहीं जानस कथे, आजकल तो युगो युगो तक विज्ञान के ही चर्चा होत है, ते काबर नहीं जानस भैया, कैसे नहीं जानस कथे। तो वो कहिस अरे मैं कुछ नहीं जानो बाबूजी, मैं कुछ नहीं जानो। तो कहिस भैया हो अरे ते कुछ नहीं जानस ना, तब तोर तो 70% जिंदगी खराब है कह देते भैया हो, 70% जिंदगी खराब है कह दिस। तो अचानक बाढ़ आते, तूफान आते, हवा गरेर आते, नाव रही सुनहा डगमगाए बर लगते, हवा गरेर आते, तूफान आते, पानी गिरते तो नाव हाँ लहराए बर लगते। तो केवट रही तो नहर कहिस नाविक भैया हा कस भैया, तो मला तीनों झाला तैरेल आथे कथे, तो मन कथे हमला तैरेल नहीं आए भैया, बचाओ 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 की कि चिल्लाए बर लग जाते भैया हो। तो नाविक रही तो नहर कहिस अरे तुम्हारा तैरेल नहीं आए भाई गे, तुम्हार मन के तो पूरा 100% जिंदगी खराब है, 100% जिंदगी खराब है किस भैया हो। तो हमन कतना भी पढ़ लिख लेन है ना, हमन कतना भी शिक्षा प्राप्त कर लेन, अगर एक चीज ला नहीं जान पाए भैया हो ओ हरे भगवान ला, तो हमार पूरा जिंदगी व्यर्थ है, बेकार है। तो भगवान ला जानना बहुत जरूरी है, और भगवान ला जानना बहुत जरूरी है, एक सती बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी कहे भैया हो कि जाने बिना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। यहाँ सुंदर प्रभु रामचंद्र जी रिहिस तो नहर समझाइस कि ऐसन जे मोर से भक्ति करही वही मनुष्य मोला अच्छा लगते कहिस, कबर के प्रभु रामचंद्र जी है तो नहर तो प्रेम के भूखा हरे, भक्ति के भूखा हरे भैया हो। यहाँ प्रभु रामचंद्र जी के प्रताप से समुद्र है तो हर समुद्र पर पत्थर भी तैर जाते, ऐसन प्रभु राम ला छोड़ के जे मनुष्य हा जब ही दूसरा आदमी ला तो बहुत ही मन बुद्धि हरे भैया हो। नल नील बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, नल नील है तो नर सेतु बांध बांध के उला बहुत से मजबूत बना दिस, सेतु बांध पुल ला बहुत से मजबूत बना दिस, देखने पर वह कृपा निधान परमात्मा राम के मन ला बहुत ही अच्छा लगिस भैया हो। तो आवन आगे की चर्चा एक छोटे से भजन के बाद आगू बढ़ाए के प्रयास करबो। भरत प्रिय रामचंद्रे शंकरे हरियो, भजली सिया राम ला संगवारी, भजली सिया राम ला संगवारी, भजली सिया राम ला संगवारी,
मालिक कथे तो किस में सत्संग सुनेल जात हो मिठू कथे तो मिठू किस माहौल लेबे का मालिक तोर संग सत्संग सुनाए बर कथे तो किस लेना मिठू मैं तोला काली लेगू सत्संग सुनाए बर कथे काबर काबर क्यों सोचिस भैया हो अरे मैं हां मिठू ला लेगू मिठू ला लेगे है लेगे सब मन हम और आसपास के मन देखी कि हादे मिठू ला ले के मोर सबो जन के सामने बेइज्जती हो जही तेकले कही सोहा मैं काली लेगू मिठू तोला कथे फिर कही काली लेगू के कही तो कर बिहान दिखाओ जात रहे तब पूछते भैया हो मिठू हां मालिक मालिक महुल लेगना कथे तो कथे ले ना मिठू तोला लेगूच ना अभी चलते छे ना पांच छह दिन के चलत है सत्संग हा ले ना मैं लेगू तोला कथे बहुत दिखाने लेगिस भैया हो लास्ट दिखाना थे हवन के दिखाना थे रोज के कहा लेकिन नी लेगे टाल दे बहाना बनाए तो हवन के दिखाना थे ना तो मिठू रही तरह कही मालिक मालिक ते हाँ मोला रोज के कथो ना ते नी लेगा तो तोर महाराज ला कथा बताते हो महाराज ला तेहा एक प्रश्न करबे कथे तो मालिक कथे का प्रश्न करहू मिठू कथे ता ये भवसागर ले पार होए के उपाय प्रश्न करबे कथे ये भवसागर ले पार होए के उपाय का हरे तिला कथे तो किहिस हां ठीक है करहू महाराज से प्रश्न ला कथे अब कथा सुनई बर जाथे भैया हो लेकिन ओकर हिम्मत नहीं होत रहा है कि मोर मिठू हा कैसन प्रश्न कर दे ही महाराज ला जाके मैं कैसे प्रश्न पूछू ऐसे की प्रश्न करू की ओकर हिम्मत नहीं होत रही से ओ महाराज रही तो नहार हवन ववन पूजन कर डर थे अपन आसन ले उतर के जात रहते तो अमन दुमन करके ओकर कना पूछे पर जाते प्रश्न ला करे पर जाते उत्तर पूछे बा तो हा कहिस महाराज महाराज मोर मिठू हा एक प्रश्न करे है ओकर उत्तर ला बता देते उका महाराज कथे तो किस कैसन प्रश्न करे है कथे त ये भवसागर ले पार हो के उपाय किस अत्रिज बाद ला सुनते भैया हो ओ महाराज रहिन सन हा फड़फड़ा के थरथरा के बेहोश हो जाते गिर जाते तो मालिक रहिन सन हा अकबका जाते और किस अरे मोर मिठू हा कैसन प्रश्न कर दे है भाई ये अति बड़े महाराज है तनहर अकचका के गिर गए कैसे प्रश्न करे हे कथे ओला उत्ता धुरा पानी वानी पिलाथे होश में लाथे और ओकर कनाले हट जथे मालिक रहिस तन हर अपन घर में चल देथे और मिठू ला कहिथे भैया हो मिठू ते मोला कैसन प्रश्न कर दे रहे जी मिठू कथे तो कथे मैं का प्रश्न करे हो कथे ते कैसे पूछे कथे त मैं हां इसने पूछे वे भवसागर का करे हस कथे कैसे पूछे कथे ये भवसागर ले पार हो के उपाय पूछे मिठू तो महाराज अब फड़फड़ा के गिर गए कथे अतकिज बात ला मिठू सुनते भैया हो वह चुप्पे मिटका देते चुप्पे एकदम मिटका देते तो मालिक हाँ बका देते ये मिठू घला कैसे मिटका दिस भाई हालत नहीं है डुलत नहीं है हला डुला के देखते भैया हो लेकिन मिठू हालत नहीं रहा ना डुलत नहीं रहा है तो वो सोचते अरे भाई गे ए मिठू हा घला मर गे काते कथे अब ओला माटी दे बर लेक थे माटी दे बर लेक थे तब भैया हो माटी दे के थोल में लेक थे ना तो कुदारी ला भुला जाते हो हा अब मिठू ला भी कना मड़ा देते अलवा जलवा गमछा में घुमेट के मड़ा देते कुदारी ला लाए बर घर जाते तो घर जाते ना तो ओकर से पहली मिठू रही तो ना उड़हात उड़हात उधर घर के छानी में पहुंच जाते मालिक पहुंचते तो मिठू कही मालिक कथे यही तो हरे भवसागर ले उपार उपाय यही तो हरे भवसागर ले पार हो के उपाय कथे काबर काबर की ते हाँ मोला कतना दिखन ले ए पिंजरे में कैद करके रख रहे है ना यही तो हरे भवसागर ले पार हो के उपाय आज मैं भवसागर ले पार हो गयो कथे भैया हो तो देखो मिठू रही सुन हर कैसन ना भवसागर ले पार हो के उपाय रास्ता खोज डरते है ना तो हमन तो एक मनुष्य हरण है ना हमन कैसे भवसागर ले पार होबो राम के नाम दो अक्षर के नाम है ओला जपो तभी भवसागर ले पार होबो अन्यथा नहीं हो सकन भैया हो तो आवन आगे के चर्चा एक छोटे से भजन के बाद आगू बढ़ाए के प्रयास करबो भरति प्रिय रामी चंद्रे शंकरे हरिओम
भजन करले संगी, भजन करले ना, 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 भजन करले संगी, भजन करले संगी। Yeah.
संकेत हेवे एक छोटे से भजन का लेथान ओकर बाद आप सबों से विदा अवे मंच से भी। मानस के सज्जनों में मंच के अनुसार आदेश अनुसार आदेश नहीं बल्कि आप सब झल्ला संदेश दे बर आहूं काबर की नारी जागरण के उद्देश्य लले के चलथों दाई हो नारी जागरण के उद्देश्य लले के चलथों नारी जागरण के उद्देश्य ला बताऊं मैं एक बेटी मल्ला जिए के हक मांगथो काबर की ए दुनिया में बेटी मल्ला छेड़े जाते भैया हो ए दुनिया में बेटी मल्ला छेड़े जाते भाई बेटा वंश है तो बेटी अंश है बेटा वंश है तो बेटी अंश है अगर बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है अगर बेटा शान है तो बेटी गुमान है और बेटा मान है तो बेटी सम्मान है और जे घर में बेटी के अपमान होते वो घर नहीं शमशान है शमशान है। तो आवन भैया हो पीला बत्ती के संकेत है एक छोटे से भजन कर लेथन ओकर बाद आप सब से विदा औ वो डहले लास्ट भजन हरे हमर डहले तो यहाँ के भैया दीदी मन से निवेदन है कृपया करके दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजहो काबर की कही थे ना भैया हो टमाटर ना काटबे तो का निकलते भैया हो है जूस है ना और जब ताली नहीं बजाए वाला का कही थे समझ जाओ भाई कंजूस है ना तो कृपया करके दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है। मंदिर पूजा रोज करे तीर्थ करे हजार मंदिर पूजा रोज करे तीर्थ करे हजार जब मन में दया धर्म नहीं जब मन में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार सब कुछ है बेकार। बोले राजा रामचंद्र की भरत प्रिय राम चंद्र
Thank you.